हाय गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स को कैसे हाइड करें। गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स को कैसे हाइड करें, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो गाइस, जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। तो गाइस, मोबाइल में कॉन्टैक्ट को हाइड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो गाइस, हम जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, तो मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट हाइड ऐप सर्च करना है और आपको जो फर्स्ट नंबर पे ऐप दिख रही है, इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इसे ओपन करना है। तो इसे ओपन करने से पहले मैं अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि ऐप में एड्स आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है कि ऐप में एड्स आएँ। तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं और इसमें बाद में बीच में अगर ऐड आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑफ़ कर दिया है, तो हम इस ऐप को ओपन करेंगे। तो गाइस, इसे आपको ओपन करना है। तो गाइस, ओपन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्टैक्ट्स लिस्ट दिखा देता हूँ। ये कॉन्टैक्ट्स मैं आपको हाइड करके दिखाऊंगा। तो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक कॉन्टैक्ट्स है, ये दिव्या। तो गाइस, सेकंड नंबर पे जो आपको कॉन्टैक्ट दिख रहा है, इसे मैं आपको हाइड करके दिखाऊंगा, ये दिव्या। तो गाइस, अभी ये जो कॉन्टैक्ट है दिख रहा है और अभी ये हाइड हो जाएगा। तो हम बैक आएंगे उसी एप्लीकेशन में, इस ऐप को ओपन करेंगे। ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको मैनेज कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट्स आपको शो करेंगे। तो हम ये दिव्या वाला जो कॉन्टैक्ट्स है, इसे हम हाइड करना चाहेंगे, तो हम इससे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिक्योर कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस सिक्योर कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से ये जो है हट चुका है। उसके बाद हम यहाँ से बैक आएंगे और यहाँ पे जो सिक्योर्ड कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में ये जो है ऐड हो चुका है। तो गाइस, आपको बैक आना है, उसके बाद सिक्योर्ड कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। तो गाइस, देख सकते हैं ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इससे पहले मैं आपको वहाँ पे मेरी जो मेन जो कॉन्टैक्ट्स है वहाँ पे डायलर है, वहाँ पे दिखा देता हूँ ये जो है हाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे वो जो कॉन्टैक्ट है वो हाइड हो चुका है। देख सकते हैं अभी यहाँ पे ए दिव्या नाम से एक कॉन्टैक्ट था, वो यहाँ से हाइड हो चुका है। तो गाइस, अब मैं आपको दिखा देता हूँ फिर उसी ऐप में जाके, तो इसे आपको कैसे यूज़ करना है। तो गाइस, इस ऐप में वो जो कॉन्टैक्ट है हाइड हो गया। जब भी आपको उसे कॉल लगाना होगा तो आपको इस ऐप को ओपन करने के बाद कॉल लगाना होगा। तो गाइस, उस ऐप को आपको ओपन करना है, इस ऐप को। उसके बाद आपको उससे अगर कॉल लगानी है तो आपको फिर से मैनेज कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है और सिक्योर्ड कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है। उसके बाद अगर आप एसएमएस करना चाहते हैं तो आप एसएमएस पे क्लिक करके एसएमएस कर सकते हैं और कॉल पे क्लिक करके आप कॉल कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये नंबर आ चुका है। तो गाइस, ऐसे आप अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स को हाइड कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाइड कॉन्टैक्ट्स से आप कैसे कॉल कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, इस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको ढूँढने में प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ से यहाँ पे इसे ईजी इंस्टॉल कर सकते हैं।